नमस्कार। केस लॉ के अपनी लेक्चर सीरीज में आज क्रिमिनल लॉ के दो ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। ये दोनों केसेस इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि जितने भी जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये चीजें, ये दो जो केसेस हैं, ये पूछी जाती हैं। ये पहली केस है आर वर्सेस टॉलसन की। ये क्वीन बेंच डिवीजन का जजमेंट है और ये केस हुई थी 1889 में। और यहां जो रेशियो था वो 9:5 का था, जबकि दूसरी जो केस है वो आर वर्सेस प्रिंस की है जो 1875 की है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट है, 15:1 का रेशियो है। ये दोनों ही केसेस में दो क्रिमिनल चार्जेस लगे, एक जगह पर बाइगेमी लगी थी, दूसरी जगह पर किडनैपिंग के चार्ज लगे थे। लेकिन एक जगह क्वीन बेंच डिवीजन का जो फैसला आता है वो एक्यूज के फेवर में जाता है, डिफेंस दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर प्रिंस के केस में हेनरी प्रिंस को लायबल किया गया था किडनैपिंग के लिए। अब यहां पर इन्होंने बचाव दिया था कि मेरे पास नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसे इस एक्ट में, जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट है, अप्लाई नहीं किया गया। फिर प्रश्न उठता है, असल में जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो क्या है, वो ये पूछा जाता है इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा या मेंस एग्जाम में कि इन दोनों फैसले में डिफरेंस क्या है। तो यहां पर दो वर्ड्स में दो लैटिन तरीके से, लैटिन मैक्सिम के जरिए ये समझाने की कोशिश है कि क्या डिफरेंस है। एक जगह कहा जाता है मैला इन से, दूसरी जगह कहा जाता है मैला इन प्रोहिटो। अगर कोई काम आपका मैला इन से होगा तो वहां नॉलेज नहीं देखेंगे, वहां आपकी लायबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर वो काम मैला इन प्रोहिटो होगा वहां पर आप नॉलेज से डिफेंस ले सकते हैं। शुरू करते हैं आर वर्सेस टॉलसन और आर वर्सेस प्रिंस का ये कंपेयर। आर वर्सेस टॉलसन के केस में तीन डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। टॉलसन, मिस्टर टॉलसन और मिसेस टॉलसन की जो विवाह होता है वो होता है 11 सितंबर 1880 को। ये शादी एक साल से ज्यादा नहीं चलती है। 13 दिसंबर 1881 को मिस्टर टॉलसन मिसेस टॉलसन को डिजर्टेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, मिसेस टॉलसन के जो फादर थे और बाकी रिलेटिव्स, इन सारे लोगों ने काफी खोजबीन की मिस्टर टॉलसन के बारे में जानने की कि आखिर वो कहां है, जिंदा है, मर गए हैं, कैसे है। इस बारे में कोई जानकारी मिल नहीं रही थी। कई जगह से ये समाचार पता चला कि मिस्टर टॉलसन एक ऐसी जहाज पे थे जो जहाज पूरी तरह से डूब गई और जितने लोग उस पर थे वो सारे के सारे लोग मरे। अब यहां पर अपने आप को वीडो मानते हुए मिसेस टॉलसन ने अपने पहले शादी के बारे में सारी जानकारी दूसरे युवक जिसके साथ वो विवाह कर रही थी, जो दूसरी शादी उन्होंने की वो 10 जनवरी 1887 को उन्होंने रीमैरिज की है, वो फिर से रीमैरिज कर दी। इसके बाद मिस्टर टॉलसन चले आते हैं और बाइगेमी के लिए चार्ज करते हैं मिसेस टॉलसन को कि आपने बाइगेमी की, बाइगेमी का यहां पर चार्ज लगा। अब यहां पर हियर द सर्कमस्टांसेस, यहां जो सर्कमस्टांसेस थी वेल नोन थी दूसरे बंदे को जिसके साथ वो रीमैरिज करती हैं। और यहां पर उसने जो बिलीव लिया था, जो मिसेस टॉलसन ने अपने आप को वीडियो माना था, वो मिस्टेकन बिलीव था जिसे क्वीन बेंच डिवीजन ने वैलिड माना। क्वीन बेंच डिवीजन ने उन्हें जो बाइगेमी का चार्जेस था उसे डिस्चार्ज कर दिया, उससे उनको एक्विटल दे दी। अब आइए जरा दूसरे जजमेंट पर, आर वर्सेस प्रिंस का जो जजमेंट है। आर वर्सेस प्रिंस का जजमेंट 1875 का है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का है। यहां पर हेनरी प्रिंस नाम का एक लड़का रहता है और एनी फिलिप नाम की एक लड़की रहती है जो 16 साल से कम उम्र की थी। इस एनी फिलिप को, 16 साल से जो कम उम्र की थी, इसने बताया था कि वो 18 साल की है लेकिन वो थी वास्तव में 16 साल से कम। अब हेनरी प्रिंस क्या करते हैं, इनको इनके पिता की कस्टडी से जाने के लिए प्रेशराइज करते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं और लेके जाते हैं। इनके ऊपर चार्ज लगता है सेक्शन 55 ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861 का। बेसिकली ये किडनैपिंग से रिलेटेड था। अब देखते हैं कि आखिर सेक्शन 55 कह क्या रहा था। सेक्शन 55 कह रहा था, हूएवर शैल अनलॉफुली टेक एनी अनमैरिड गर्ल अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स आउट ऑफ पजेशन एंड अगेंस्ट द विल ऑफ हर फादर और मदर और एनी अदर पर्सन having the lawful care or charge of her shall be guilty of a misdemeanor। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति
जो एक अनमैरिड गर्ल को जो 16 साल से कम उम्र की है, उसके पिता की कस्टडी से, उसकी माँ की कस्टडी से, ऐसे किसी व्यक्ति की कस्टडी से जो कि उसके केयर के लिए है, अगर ले जाता है वो क्या होगा, शैल लायबल होगा मिस डेमनर के लिए, इस महाअपराध के लिए लायबल होगा। अब यहां पर एक्यूज की ओर से तर्क दिया गया, एक्यूज की ओर से तर्क दिया गया और ये रीजनेबल एविडेंस भी आ रहा था कि यहां एनी फिलिप ने खुद ही बताया था कि वो 18 साल के ऊपर की है, मतलब मेजर। दूसरी तरफ हेनरी प्रिंस ने तर्क दिया कि जब भी लेजिस्लेशन जो है, लेजिस्लेचर किसी भी एक्टिविटी को ऑफेंस के रूप में डिस्क्राइब करता है तो वहां पर इंटेंशन या नॉलेज का होना जरूरी है, बिना मेंशरिया के आप, बिना नॉलेज के आप ये नहीं कह सकते कि मैं गिल्टी माइंड हूं, तो यहां मेरा गिल्टी माइंड नहीं है। अब यहां इस तर्क पर जवाब दिया हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो जवाब आया वो 15:1 का है, बहुत बड़ा रेशियो है, 16 लोग बैठे और 15 लोग एक साथ जो है वो अगेंस्ट में बोल देते हैं प्रिंस के। क्या कहा उन्होंने यहां पर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिटरमाइन किया कि ये जो लेजिस्लेशन है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861 जो हाईलाइट कर रहा है, सेक्शन 55 जो है वो हाईलाइट कर रहा है किडनैपिंग को, ये जो लेजिस्लेशन है इसका टारगेट क्या है, तो इन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि ये लेजिस्लेशन बनाया ही गया है गार्जियंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और गार्जियंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अगर जो प्यूपिल्स हैं, अगर जो वार्ड्स हैं, उनकी उम्र जितनी उम्र चाहिए कंसेंट देने के लिए उससे अगर कम है तो वहां पर उस प्यूपिल के साथ अगर गलत चीज की गई, अगर वो काम किया गया जो मना किया गया है, तो यहां करने वाला सीधे सीधे लायबल होगा। यहां पर नॉलेज को उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया, नहीं ध्यान दिया, उन्होंने कहा कि यहां मेंशरिया की बात नहीं है, यहां हम उस एक्टिविटी को हम मना कर रहे हैं जो एक्टिविटी यहां प्रोहिबिट की गई है। अब आइए, अब आते हैं कि आखिर दोनों केस में क्या अंतर है, एक जगह आप डिफेंस दे रहे हैं, एक जगह आप मानने से इनकार कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। जब आप इन दोनों केसेस का कंपेयर देखेंगे तो यहां कोर्ट ने डिस्क्राइब किया है, कोर्ट ने यह कहा है कि प्रिंस के केस में जो काम प्रिंस कर रहा था, क्या किया था उसने, किडनैपिंग जो ऑफेंस है ये मैला इनसे है, मैला इनसे का मतलब एक्ट इटसेल्फ इज अ रॉन्ग, एक्ट अपने आप में क्या है, गलत है, किडनैपिंग किसी भी हालत में जस्टिफाई नहीं की जा सकती है, इसलिए यहां पर नॉलेज बेमतलब है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नॉलेज ऑफ द एक्यूज द पर्सन हेल्ड लायबल, यहां पर क्या हो जाएगा, वो पर्सन लायबल हो जाएंगे। दूसरी ओर टॉलसन के केस में जो काम किया गया, जो बाइयनी के चार्ज लगे, वो मैला इन प्रोहिबिटो है, मैला इन प्रोहिबिटो मतलब सेकंड मैरिज इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ बट इटसेल्फ इट इज नॉट ए रॉन्ग, शादी अपने आप में अपराध नहीं है, शादी अपने आप में कोई गलत काम नहीं है, हाँ बस यहां क्या है, सेकंड जो मैरिज है वो लॉ में प्रोहिबिट की जाती है, बट बहुत सारे डिविजन ऐसे हैं जहां इसको अलाउ भी किया जाता है, ट्राइबल कम्युनिटी में भी अलाउ है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सिविल डेथ के केस में भी अलाउ है, और यहां पर 7 साल से ज्यादा समय से टॉलसन का पता भी नहीं था, तो एक तरीके से सिविल डेथ को अगर प्रिज्यूम करते हुए मिसेस टॉलसन आगे चलती है और इस बात की जानकारी उन्होंने सेकंड मैरिज करने वाले पार्टी को दे भी दी थी, तो यहां कोर्ट ने कहा कि यह मैला इन प्रोहिबिटो है, मींस एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ बट नॉट इटसेल्फ रॉन्ग, यह अपने आप में कोई गलत नहीं है, शादी अपने आप में कोई अपराध नहीं है, हाँ चूंकि सेकेंड मैरिज की बात हो रही है इसलिए वो लॉ क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। तो इन दोनों फैसलों में जो बेसिक अंतर है वो काम का है, वो बेसिक अंतर एक्टस रियस के आधार पर है कि यहां जो आप काम कर रहे हैं ये मैला इनसे है, मैला इनसे का मतलब जब आप अपने आप में जो गतिविधि कर रहे हैं, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जो एक्टस रियस आपने किया है, ये क्या है, इटसेल्फ है रॉन्ग, अपने आप में गलत है, तब यहां पर हम नॉलेज को ध्यान नहीं देंगे। और दूसरी ओर जो टॉलसन के केस में केस आई है बाइगेनी की, ये मैला इन प्रोहिबिटो है, ये एक्टिविटी, ये जो सेकंड मैरिज है प्रोहिबिटेड बाय लॉ है बट इटसेल्फ ये रॉन्ग नहीं है। इस कारण से उन्होंने टॉलसन के केस में मिसेस टॉलसन को डिफेंस दिया और प्रिंस के केस में प्रिंस पर लायबिलिटी इंपोज की। उम्मीद करता हूं ये दोनों फैसले आपको क्लियर हो गए होंगे। केस लॉ के अपने लेक्चर सीरीज में
और इंटरेस्टिंग केसेस के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।